जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले क्लास 1 की मैथ चैप्टर आपका 5 है और एक्सरसाइज आपके 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी। जिसको बच्चे ने पूछा कि दर्ज है जुमलों की तस्दीक करें, तो आपने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो हल करने हैं। तो बच्चे यहां पे देखें, फार्मूला देखें, तो आपको कोई फार्मूला बगैर नजर नहीं आ रहा। तो इसको डिफरेंट फार्मूले से हल कीजिए। सबसे पहले बच्चे कॉमन देखना होता है, कॉमन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। तो उसको लिख रहे हैं 2x का स्क्वायर होल का स्क्वायर आपका, और ये आपके पास बन जाएगा 9 का स्क्वायर। तो बच्चे जब ये स्क्वायर बन जाए, तो आपने अपनी तरफ से जो होता है इसको फार्मूला पूरा करना है अपनी तरफ से, जो कि आपका बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab, वो आपने अपनी तरफ से जो होता है इसको पूरा करना है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं आगे प्लस के 2 इंटू आपके पास आ जाएगी पहली रकम है और इंटू आपके पास आ जाएगी दूसरी रकम। तो बच्चों ये आपने अपनी तरफ से इजाफा करने है इसको फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो देखें ये आपके पास बनता है 2 को 4 से 2 से बटी 4 आ जाए, 4 9 से बटी करें तो ये बच्चे आपका बन जाए 36 या 36। तो इतना आपने इजाफा किया है, ये अपनी तरफ से इजाफा किया, जितना आपने अपनी तरफ से इजाफा करेंगे उतना आपको जो होता है वो माइनस भी करना पड़ता है, क्योंकि मैथ का रूल है आप अपनी तरफ से किसी चीज का इजाफा नहीं करते। अगर आप किसी चीज का इजाफा करते हैं तो उतना आपको माइनस भी करना पड़ेगा। तो बच्चे ये वाला आपने अपनी तरफ से इजाफा किया है फार्मूला पूरा करने के लिए। ये भी आपका उसी तरह है, 2x का स्क्वायर सिर्फ ब्रैकेट में लिखे है, 81 का 9x का स्क्वायर लिखे है। तो हमने इस वाला रकम का इजाफा किया है, ये बनते हैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई आपका 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किए जो पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मान जाए बटे 36 जो होते हैं बनता है। तो 36x का स्क्वायर जितना आपने इजाफा किया प्लस है, ये आपका प्लस था उतना आपको माइनस भी करना पड़ेगा। अब यहां से लेकर यहां तक बचे आपका जो फार्मूला बन जाता है जो कि आपका बन जाएगा पहली रकम का स्क्वायर और यहां पे प्लस की अलामत है तो प्लस आपका आ जाएगा, प्लस आपके पास आ जाएगा दूसरी रकम और इसका बन जाएगा होल का स्क्वायर, पहली रकम प्लस दूसरी रकम के होल का स्क्वायर और यहां आगे आपके पास है जी 36x का स्क्वायर। तो बच्चे ये तो आपके पास बन गया और 36 को भी जो 36 आपका जो लिखा है इसको भी हम जो लिख सकते हैं स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है आपके पास और 36 को हम लिख सकते हैं 6x के होल का स्क्वायर, यानी 6 और x दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अगर नहीं लिखे तो बच्चे आपका गलत हो जाएगा। तो अब आपके पास बच्चे फार्मूला बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये, और ये होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी दोनों रकमों का हम एक दफा जमा लिखेंगे, 2x का स्क्वायर जमा के नॉर्म लिखेंगे और एक दफा जो होता है इसको हम 2x का स्क्वायर जमा 9 है माइनस का जो एक दफा जमा कर लिख दें जमा 6x और दूसरी दफा आप लिखे 2x का स्क्वायर जमा के 9 माइनस के 6x। तो बच्चे आपका आंसर ये भी ठीक है, लेकिन बेहतर है आप इसको तरतीब में लिख लें। तो तरतीब में लिख लें तरतीब नजूली में या तरतीब सऊदी में या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो 2x का स्क्वायर x की पावर जो भी यहां पे 2 है, तो इसके बाद आपके आ जाएगी x वाली रकम जिसमें x की पावर जो होती है 1 है। तो इस तरतीब से जो होता है आपके लिए ज्यादा बेहतर है। दूसरी रकम को भी इसी तरह लिख लें, आपके पास 2x का स्क्वायर x की पावर आपके 2 आ जाती है और आपने एक x की पावर 1 वाली जो कि आपके पास माइनस के 6x है और प्लस आपके पास 9 है और ये बच्चों जो होता है आपका आंसर है। जी बच्चों अब हम इसके चलते हैं जी चीज नंबर 5 की तरफ। जी टोटल इस सवाल के 6 चीज हैं, x की पावर 4 है प्लस x का स्क्वायर या x की पावर 2 है और प्लस आपका है 25। तो बच्चों बाजार कैसे लग रहा है कि इसको x की पावर 4 लिखते हैं, इसको x का स्क्वायर पहले लिखा हुआ है। तो बच्चे इसको इस तरह हल नहीं करना, आपने ऐसे हल करना है कि x की पावर 4 और ये 25 को इसके साथ लिख दें और x का स्क्वायर इसको आप सेपरेट लिख लें। तो x की पावर जो कि 4 लिखी हुई है इसको हम जो है x का स्क्वायर लिखेंगे और इसकी होल पावर जो होगी वो आपकी 2 आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह आपके पास 25 लिखा है, 25 है, ये आपका बन जाएगा 5 का स्क्वायर। अब आपने बच्चे फार्मूला पूरा करना है तो प्लस के 2 लिखते हैं इंटू आपके पास आ जाएगी पहली रकम जो कि x का स्क्वायर है इंटू आपके पास है दूसरी रकम जो कि आपके पास जो होते 5 या 5 है। तो ये आपने अपनी तरफ से इजाफा किया है जो कि मल्टीप्लाई अगर करें 5 को 2 से तो आपका बनता है 10x का स्क्वायर, जितना आपने इजाफा किया है उतना ही आप जो तो माइनस कर देंगे। 10x का स्क्वायर आपने इजाफा किया था जमा का, उतना ही आपको माइनस करना पड़ेगा और जमा x का स्क्वायर जो होते आपके पास ये मैंने पहले ही लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से यहाँ तक बचे आपका जो फार्मूला बन जाता है जो कि आपका पास बन जाएगा पहली रकम ये जमा के 2 है तो आप जमा के लगाएंगे जमा दूसरी रकम इसका होल का स्क्वायर और 10x के स्क्वायर में माइनस के हैं इसमें जमा 1x का स्क्वायर निकल जाएगा तो बच्चे आपके पास बन जाएगा 9x का स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चे जमा माइनस का मसला बनता है कि आपने जमा के 2 का फार्मूला लगाएंगे या माइनस के 2 का लगाएंगे,
तो उसके लिए आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद पता लगता है कि आखिरी दो रकम जो आपके पास है उनको जमा या फ्री करने से क्या दूसरी रकम का स्केयर बनता है या नहीं। अगर स्केयर बन जाता है जिस तरह मैनेज के मैंने जमा के दो रुपए ब्रास्केट हुए हैं तो देखिए ये जितना आपने प्लस रहे उतना आपने माइनस किया तो 10 में से जब एक निकलेगा तो माइनस आपका जो तो 3 का स्क्वायर बन जाता है। तो ये आपने जरा बच्चे देखना है स्क्वायर बन जाता है तो ठीक है नहीं बनता तो फिर आपने फार्मूला जो उसको थोड़ा सा चेंज करना है। एक जमा दो की बजाय आपने माइनस दो लगाने ये आपके पास स्क्वायर पहले ही है और इसको हम लिख देते 3x का स्क्वायर। तो बच्चे अब आपका फार्मूला ऊपर लिखा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर उसके मुताबिक हम चलेंगे तो x का स्क्वायर प्लस के आपके 5 है और प्लस आप 3x लिखेंगे। एक दफा आपने पहले वाले रकम को सेम उसी तरह लिखना है दूसरे रकम को एक दफा आपने प्लस लिखना है और एक दफा जो है आपने माइनस लिखना है। तो बच्चे आपका आंसर तो ये भी ठीक है लेकिन बेहतर है कि इसको आप एक तरतीब में लिख लें तरतीब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। x का स्क्वायर है इसके बाद आपकी 1x वाली रकम और इसके बाद वो वाली रकम जिसके पास x नहीं है और इसके बाद आपको उस तरह आगे x का स्क्वायर माइनस की 3x पहले लिखेंगे और प्लस के आप जो है 5 लिखेंगे और ये बच्चे आपका आंसर है। तो ये भी आपके बच्चों के शॉर्ट क्वेश्चन है दो रकम का ही है। जी बच्चों अब हम चलते हैं इसके लास्ट यूज की तरफ। एक्सरसाइज आपकी 5.2 है जो कि आपके पास लिखा है x की पावर 4 प्लस आपके पास है जी 4x का स्क्वायर प्लस आपके पास है जी 16 यानी 16 आपके पास बच्चे लिखे हुए हैं। तो देखते हैं जी इसमें भी उसी तरह करना है पहली रकम को आपने आखिरी रकम के साथ लिखना है x की पावर 4 है प्लस आप जो कि 16 इसके साथ लगा लें और ये 4x का स्क्वायर को सेपरेट लिख लें। अगर चलो भी बन सकते हैं लेकिन जब आप हल करके देखेंगे तो ऐसा नहीं है ये भी प्रभाव लग रहा है और ये तो पहले स्क्वायर के मुरब्बे बने हुए हैं लेकिन बच्चे इस तरह हल नहीं होता। तो ये आपके पास x की पावर 4 है इसको मुरब्बे के क्षेत्र में लिखेंगे और आपके पास 16 है तो ये आपके पास 4 का स्क्वायर आगे लगा दें प्लस 2 इंटू आपके पास पहली रकम और इंटू आपके पास आगे दूसरी रकम और ये इसको देखें तो आपके पास बनता है प्लस का 8x का स्क्वायर यानी आपने इजाफा किया है तो उतना आप माइनस भी कर दें तो माइनस 8x का स्क्वायर और ये 4x का स्क्वायर आपके पास पहले लिखा हुआ है। तो बच्चे अब हम देखते हैं कि 8x के स्क्वायर में से अगर 4x के स्क्वायर निकालेंगे तो बाकी आपके पास 4 बनता है 4 स्क्वायर बन सकता है 2x के स्क्वायर का तो बिल्कुल आप ठीक जा रहे हैं। तो बच्चे ये आपके जो अंडरलाइन मैंने की है आपका फार्मूला बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस आपके पास है जी 4 इसका होल स्क्वायर आपने लिख लें और 8x के स्क्वायर में से 4x के स्क्वायर को जब हम जो है माइनस करेंगे तो बच्चे आपके पास बन जाएगा -4x का स्क्वायर। जी बच्चों अब हम इसको होता है फार्मूला पूरा कर देते हैं। ये आपके पास पहले लिखा हुआ है ये आपके पास जो होता है 4x का स्क्वायर है 4 को हम 2 लिख सकते हैं और दूसरा x का स्क्वायर पहले लिखा हुआ है। तो अब आपके पास बच्चों ये फार्मूला बन गया जिसको हम लिखेंगे एक दफा जो होता है वो प्लस लिख देंगे यानी प्लस के 2x और एक दफा जो हम इसको लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस आपके पास 4 है और माइनस के आपके पास आ जाएगा 2x। तो बच्चों सिर्फ अब आपने इसको तरतीब देना है x के स्क्वायर की रकम पहले लिखनी है फिर वो रकम जिसमें x की पावर ये x की पावर 2 है फिर x की पावर 1 वाली और इसके बाद वो रकम आपने लिखनी है जिसके पास पावर x की पावर जो कि 0 जो कि आपके पास 4 है। इस तरह आपके पास x का स्क्वायर माइनस के आपके पास बच्चों आ जाएंगे 2x और प्लस के आपके आ जाएंगे 4। आंसर बच्चों आपका ये भी ठीक है लेकिन बेहतर आपका जो होता है आंसर ये वाला ठीक है क्योंकि ये वो आंसर है जो सही शक्ल में आपने लिख दिए हैं तरतीबे सऊदी या तरतीबे नजूरी में लिख दिए। इस तरह बच्चों आपका जो होता है क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है 5.2 का वो कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।